मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या प्रदर्शनीचे आयोजन शहरातल्या रेशीमबाग मैदानावर करण्यात आले असून 15 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर अशा दोन दिवस या प्रदर्शनी दरम्यान टेंट डेकोरेशन आणि कॅटरिंगच्या प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिवाय व्यावसायिक दृष्टिकोनातून या प्रदर्शनात इतरही मोठ्या स्टॉलचे प्रदर्शनी राहील. या प्रदर्शनीचे आयोजन व्हॅल्यू ऍडेड इव्हेंट सर्व्हिस प्रायमेट लिमिटेडच्या वतीने करण्यात आले असून यास ओम टेक्सटाईलचाही हातभार लागला आहे. महाराष्ट्र में पहली बार नागपुर शहर में इस प्रकार के आयोजन का हम आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि नागपुर शहर के सभी टेंट, मंडप, डेकोरेशन, कैटरिंग, साउंड वाले, लाइट वाले एवं फूल वाले जो भी इस कैटेगरी में काम करते हैं उन सभी के लिए यह प्रदर्शनी का आयोजन नागपुर शहर में 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच रेशमबाग ग्राउंड में आयोजित किया गया है. एवं इस प्रदर्शनी में हमने सभी भाइयों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा है. साथ ही साथ यहां पार्किंग की व्यवस्था हमने की हुई है. प्रदर्शनी के मौके पर एक शानदार डायरेक्टरी का भी विमोचन किया जाएगा, जिसमें नागपुर शहर से जुड़े सभी टेंट, डेकोरेशन, कैटरिंग एवं मंडप वाले भाइयों की जानकारी उसमें दी हुई है. इस प्रदर्शनी में साउथ अफ्रीका से डोम स्ट्रक्चर लगाने वाली कंपनी आ रही है, पानीपत से कारपेट वाले आ रहे हैं, दिल्ली से जो पंडाल के कपड़े होते हैं वो बेचने के लिए लोग आ रहे हैं, अहमदाबाद से जो बड़ी बड़ी जो कूलर कंपनियां हैं जो इंडस्ट्रियल कूलर बनाती है और बड़े बड़े लॉन के हॉल के लिए कूलर बनाती है वो कंपनियाँ अपने स्टॉल लगा रही हैं. मुरादाबाद से ग्लास कंपनी आ रही हैं जो ग्लास डेकोरेशन करती हैं पूरे इंडिया में इवेंट्स में. गुड़गांव से सनर्जी लाइट्स वाले आ रहे हैं जो आजकल एलईडी बल्ब्स का उत्पादन करते हैं. सोलर पैनल रूफटॉप के स्टॉल्स आ रहे हैं जो आजकल बड़े बड़े लॉन और हॉल में रूफटॉप पे लगाए जाते हैं. इसी के साथ साथ पहली बार महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग जो कि सरकारी विभाग है उनके तरफ से 3 दिन का एक लाइसेंस बनाने का कैंप शुरू किया है. तो 3 दिन यहाँ पर सभी कैटरिंग वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वालों को यहाँ लाइसेंस रिन्यू करके मिलेगा और नया लाइसेंस 3 दिन में बना के मिलेगा.